हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेज। अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि एमपीपीएससी 2019 और 20, ठीक है, दो एग्ज़ाम होनी है 2020 में, एक 12 जनवरी को और एक और जो कैलेंडर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उस पर आ चुका है कि 2020 की एमपीपीएससी भी होना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भिड़ जाएं पूरी तरह से। और अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज जो है आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है आपकी फुल प्रिपरेशन करवाने के लिए। सारे कोर्सेज, सारा कंटेंट इस पे आपको अवेलेबल है। और मेरी अगर बात करें तो मैं सनमति जैन आपको रीजनिंग और मैथ्स और इसके अलावा जो एप्टीट्यूड में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग के अलावा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। और 8 बजे पिछले एक महीने से मेरी 8 बजे और 10 बजे रीजनिंग मैथ्स की क्लास 8 बजे और रीजनिंग की क्लास 10 बजे चल रही है। और इसी के साथ हमने क्या हुआ कि पूरा कंप्लीट होने आ गया सिलेबस, तो रीजनिंग की क्लास को भी हमने 8 बजे शिफ्ट कर दिया। तो 3 दिन, देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 दिन आपकी जो क्लास चलती है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, वो कंप्लीट मैथ्स की क्लास चलती है। और इसमें प्रैक्टिस करते हैं हम, सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग जो है वो पूछा बताया जाता है आपको, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि रीजनिंग का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है और ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। टाइम जरूर नोट कर ले, क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। और क्या होता है ना कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि एक एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वो सारी एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरी क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग की हमेशा कंटिन्यू रहेगी और नए नए क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करवाता रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहां पे देखो, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 10 ईयर क्वेश्चन पेपर है ये भी मैं करवा रहा हूं। और ये 10 बजे आपका होता है, क्लास का टाइम नोट कर लें। और इसमें देखिए, सबसे पहले अभी मैं आपको जो एप्टीट्यूड है वो उसके साथ, एप्टीट्यूड क्या सेकेंड पेपर में आता है और फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, तो एप्टीट्यूड तो पूरा करवा ही रहा हूं। उसके साथ साथ जीएस में जो कंप्यूटर है और जो स्टेटिक जीके या मध्य प्रदेश जीके ले लो आप, स्टेटिक जीके में जो चीजें बदलती नहीं है, जो हमेशा बार बार रिपीट होती है, चेंज नहीं होती है, वो मैं आपको करवा रहा हूं 10 बजे पेपर। ये पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की 5-5 दिन की क्लास लेंगे, जिसमें पिछले 10 सालों के दोबारा से हम जो सब्जेक्ट बच गए हैं, जैसे हिंदी है, उसके अलावा फर्स्ट पेपर में जो जनरल साइंस है आपका, भूगोल, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और सुपर फास्ट तरीके से मैं एक के बाद एक रिवीजन आपको करवाता रहूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न, क्वेश्चन याद हो जाए, आंसर उसका याद हो जाए, ताकि आपको जो है हेल्प मिले। और ध्यान रखें कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, स्टैटिक जीके के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से बने रहिए, यहाँ पे वेलकम है सभी लोगों का। जी हाँ, सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच। जी गुड इवनिंग, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी एक लार्ज लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इससे आप जुड़े हैं, इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेस जो है वो MP का नंबर 1 लाइव क्लासेस है MPPSC के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं। हमारा जो सीजन चल रहा है, सीजन बोल सकते हैं, हर किसी का सीजन होता है, तो हमारा पढ़ने का भी सीजन चल रहा है, क्योंकि MPPSC जो है वो 1 महीने के बाद होने वाली है 12 जनवरी को। ठीक है, तो चलिए संपूर्ण रीजनिंग का आज 22 लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की। इसका टाइमिंग आपको पता है, एक बार और आप नोट कर लें अगर टाइमिंग आपको नहीं ध्यान रहा हो तो, ये टाइमिंग पूरा नोट कर लें आप सारा, उससे क्या है कि ध्यान रहेगा कि क्लास कब होती है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि रेगुलर जो है आपको अपडेट मिलता रहे क्लासेस का। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और शेयर करें। ठीक है,
चलिए, थैंक यू वेरी मच. सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जय हिंद, लेट्स क्रैक इट. जय हिंद बोलो सभी. और यार है ना, जाते जाते जब क्लास हो जाती है, पूरी देख लेते हो, स्टार्टिंग में तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक करो. जब क्लास आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक और शेयर बनता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको करना है. ठीक है, चलिए बढ़े हम क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो टॉपिक है, उससे पहले बता दूं मैं आपको कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए ये ऐप जो है, इसको आप इंस्टॉल कर लें. अनअकैडमी लर्निंग ऐप है ये. और इसको इंस्टॉल करने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि यार जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, जितने भी टाइप के प्रैक्टिस सेट है, वो आपको मिल जाएंगे इस पे. और मेरी खुद की भी यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस है. जी हाँ, मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस इस पे रहती है जो बिल्कुल फ्री है. बिल्कुल यहाँ पे इस अनअकैडमी में आप गोल चूज करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में एमपीपीएससी व्यापम. और इसमें मैं बता दूं आपको, मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस है, तो वो स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री. और ये जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी फ्री है. इसके बाद देखो, ये ऐप इंस्टॉल करने से क्या होगा ना, कि एक शेड्यूल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास फोन है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप कभी भी देख सकते हैं. ठीक है, और देखने के बाद आप उसको मान लो कि आधी क्लास देखिए, आधी बाद में भी देख सकते हैं. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. फ्लेक्सिबल शेड्यूल है यहाँ पे. लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें देख सकते हैं. और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिलते हैं. ठीक है, ये सबसे बेनिफिट है. और मैंने अभी बात करी कि यार पेड क्लासेस, तो ये जो पेड क्लासेस है ना, ये पेड क्लासेस में ऐसा नहीं कि बहुत लमसम अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं. बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपको फैसिलिटी मिलेगी. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विज, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन और डिटेल्स टेस्ट सीरीज, मेन अपना ये होता है. इसमें आपको रैंक भी पता चलती है कि मान लो वो टेस्ट सीरीज 200 बच्चों ने दी, ठीक है, तो 200 बच्चों में हमारी रैंक क्या बन रही है. फिर मान लो किसी टेस्ट को 400 बच्चों ने दिया, 400 में रैंक कैसे बन रही है. फिर आपका जो मॉडल पेपर आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके गलत हुए, कितने आपके सही है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, उसके बाद एजुकेटर के साथ चैट, इंटरेक्टिव पोल. और ये तो बता ही दिया मैंने कि यार कहीं भी देख सकते हो क्लास को. चलिए, कोर्सेस इस तरह से डिजाइन होते हैं कि एक एक सब्जेक्ट के, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है तो इसके 10 कोर्स अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी है, राजनीति शास्त्र है तो वो उसके 8 कोर्स है, भूगोल है तो उसके 7 कोर्स हैं. यहाँ पे देखो लैंग्वेज की अगर बात करें, भाषा की, तो उसमें 5 कोर्स है. एमपी स्पेसिफिक टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें 5 कोर्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी की बात करें तो 5 कोर्स हैं. जी हाँ, और 3 कोर्स आपका इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र के हैं. देखो, खुद देखते से आपको समझ आ रहा होगा कि यार टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं और एक एक एजुकेटर के इतने सारे, एक एक सब्जेक्ट के इतने सारे एजुकेटर के कोर्स आपको अवेलेबल हैं. बैच वाइज कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे. ठीक है, और इसका चार्ज क्या है, देखो इस पे आ जाते हैं हम कि अगर 12th मंथ, और मेरा सजेशन यही है आपको कि अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12 मंथ से कम का सब्सक्रिप्शन नहीं लीजिएगा. क्योंकि बताऊं मैं आपको क्या होता है ना, कि हम सोच लेते हैं कि एक महीने में, दो महीने में प्रिपरेशन नहीं होती है. जो लोग एक साल से मिनिमम एक टारगेट बना लें, आप टारगेट बना के एक साल की आप लगातार प्रिपरेशन करें. और अनअकैडमी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी चीज़ मिलेगी. और ये 12 मंथ का जो है चार्ज आपको 7000 है. इसमें आप ये जो कोड दिख रहा है ना आपको SJLive, ये अगर कोड अप्लाई करते हैं आप इस पे, तो आपको डायरेक्ट जो 7000 है एक साल के, 12 महीने के, 12 मंथ के, वो 6300 आपको मिल जाएंगे. 6300 मिल जाए, मतलब 10% का सीधा सीधा डायरेक्ट डिस्काउंट करके अमाउंट आपसे लिया जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में कैशबैक मिल रहा, कैशबैक वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे. डायरेक्ट 10% अप्लाई जैसे ही किया SJLive आपने, ये आपको 10%. इसी तरह से देखो अप्लाई इसको ऐसे किया जाता है, सब्सक्रिप्शन लिया यहाँ पे आपने, सब्सक्रिप्शन पे गए आप, यहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्ट किया 12 मंथ, उसके बाद यहाँ एक लिखा हुआ एक ब्लैंक वो आता है, रेफरल कोड. रेफरल कोड आपने अप्लाई किया, SJLive लिखा, ये जैसे ही आपने लिख के अप्लाई किया, तो ये जो 7000 अमाउंट है ना, ये कैसे हो जाएगा,
6300 हो जाएगा। जी हाँ, रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। जी वेलकम है सभी लोगों का, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग और सभी लोगों का वेलकम है। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोगों को फास्ट। देखो क्या है ना कि शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी लोग जुड़ जाएं, बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। जी हां जल्दी फास्ट 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 चलिए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, हमारे पुराने स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं उनको भी गुड इवनिंग, उनका भी वेलकम, और जो नए हैं उनका भी वेलकम कि आप लगातार बने रहें। और देखिए कोई भी चीज़ एक दिन या दो दिन में आप हम नहीं सीख पाते, हमको रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो करना पड़ती है। जी हाँ चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए बढ़े हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आज आपका जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है आज, और सबसे बड़ा जो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे वो आपको दिख भी रहा होगा आराम से। देखो क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। जी हां, डॉक्टर द एज ऑफ डॉक्टर पांडे इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 years द एज ऑफ डॉक्टर पांडे विल बी 2x द एज ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर पांडे बताना है आपको। जी हां, थैंक यू वेरी मच। क्या बोला है क्वेश्चन में डॉक्टर पांडे, जल्दी से आंसर बताओ। देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका और इसमें आपको क्वेश्चन बताना है जल्दी से। क्या बोला, डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु से 4 गुना है, 10 साल बाद डॉक्टर पांडे की आयु उनके बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाती है। डॉक्टर पांडे की वर्तमान आयु आपको निकालना है। देखिए डॉक्टर पांडे, जी हाँ डॉक्टर पांडे और उनका सन, क्या आयु है, 4 गुना है। पुत्र की आयु जो वर्तमान दी हुई है वो 4 गुना है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखो इनकी एज 4 है तो इनकी एज 1 है। 10 साल के बाद डॉक्टर पांडे की आयु उनके बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाती है। जी हाँ, तो देखो ये 1 है और ये यहाँ पे 2 है। कितने साल के बाद, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कितने साल, जल्दी से आपने सॉल्व कर लिया तो आंसर दें, अभी किसी का आंसर नहीं आया। जी हाँ देखिए ये कब की बात हुई, 10 साल बाद की। और मेरा जब एज प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधित जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको मैथ्स में और रीजनिंग में, उस चैप्टर को आप एक बार जरूर से देखें, उसमें मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया और वही तरीका मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए ये कब की बात हुई, ये हुई आपकी प्रेजेंट की बात, और ये बात कब हो रही है, 10 साल बाद की। क्लियर, तो यहां जब आप रेशो से सॉल्व करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि यार यहां कितना फर्क है, दोनों रेशो में फर्क कितना है, डॉक्टर पांडे और उनका जो बेटा है उनकी एज में डिफरेंस अगर रेशो में हम देखें तो कितना है, 3 है। तो यार देखो डॉक्टर पांडे और उनका बेटा है तो वो कितने साल के बाद भी देखें हम, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद या आखिरी तक भी देखें तो उनकी एज में फर्क कभी नहीं आएगा। अगर 25 साल के डॉक्टर पांडे हैं तब उनके बेटे का जन्म हुआ तो वो 25 साल छोटा है उनसे, तो वो लाइफ टाइम हमेशा 25 साल छोटा ही रहेगा। तो वैसा रेशो में भी होना चाहिए। अभी यहां 3 साल छोटा है मान ले हम, तो यहां कितना है, 10 साल बाद। ऐसा होता है क्या कि बेटे की उम्र डबल बढ़ रही है और पिताजी की उम्र कम बढ़ रही है, बराबर ही बढ़ती नहीं, 1 साल तो दोनों के लिए 1 साल ही होता है। तो अब देखें यहां पे 1 का डिफरेंस है और यहां पे 3 का है, तो सबसे पहले तो आप ये डिफरेंस जो है ना वो बराबर कर दो, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 का कर दो, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये रेशो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, दुगनी तो अभी भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एज में जो डिफरेंस है ना वो यहां पे और यहां पे बराबर हो गया। अब देखो ये बात करी है प्रेजेंट की, ये बात करी है प्रेजेंट की, और ये बात करी 10 साल बाद की। तो प्रेजेंट की अगर बात करें हम तो 4 है, और 10 साल के बाद कितना हुआ,
अगर हम 10 साल के बाद देखें तो कितना हो रहा, 6 हो रहा। तो यार दो दो बढ़ रहा है, यहां रेशियो में दो बढ़ रहा है और एक्चुअल में 10 बढ़ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रेशियो में दो बढ़ रहा है और एक्चुअल में 10 बढ़ रहा है, तो दो बराबर क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। जी हाँ, 2 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब क्या पूछा, पांडे के बेटे की वर्तमान आयु, तो पांडे के बेटे की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 1 है। तो यार 2 बराबर 2 10 है, तो 1 बराबर कितना होगा, जी हां 10/2, 5 वर्ष। जी हां 5 वर्ष उनकी बेटी की आयु है। और जी हां, जिन लोगों ने भी इसका आंसर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, जी हां बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं इसका क्वेश्चन। जी थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल, जय हिंद बोलो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में, सभी लोग जय हिंद बोलो कमेंट सेक्शन में, और लेट्स क्रैक इट बोलते हुए एनर्जी लेते जाना है, हमको एनर्जी मिलनी चाहिए, आपको भी मिलनी चाहिए। मेरे को एनर्जी कैसे मिलती है मैं बताऊं आपको, आपके लाइक से, आपके शेयर से, और आप जब जय हिंद बोलते हैं और आप ये बोलते हैं कि समझ में आ गया और थम्स अप करते हैं, तो मेरे को एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए देखें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। जी थैंक यू वेरी मच, जी थैंक यू वेरी मच, जी क्या बोला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड Using the letters of the given word. अब क्या बताना है आपको कि यार इससे आप इस ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये जो लिखा हुआ है ना शब्द, इसके लेटर से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। तो यार देखो, सबसे पहले अगर वर्ड पे जाऊं मैं, तो यहां पे दो बार ही सी आ रहा है, जल्दी से आंसर बताएं आप सभी लोग, दो बार सी आ रहा है बट यहां पे एक ही बार यूज हुआ है, बाकी देखो N E G L E C T N E G L E C और T, ठीक है ये भी हो रहा है, जी हाँ ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये इनसाइट भी बन रहा है, जी हाँ इनसाइट भी बन रहा है, बट यहां पे दो बार C यूज हो रहा है, और जब एक बार C हमने यूज कर लिया तो दूसरा C लेने के लिए हमारे पास बचा ही नहीं है वहां पे, तो आंसर क्या होगा, कैंसल, C A N C E L जो है ए ऑप्शन सेकेंड नंबर का नहीं बनाया जा सकता इस वर्ड से, इसमें जितने भी लेटर है इसका यूज करके। जी जी हाँ सभी लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जी हाँ थैंक यू वेरी मच, चलिए क्या बोला, यदि सी को 3 के रूप में लिखा जाता है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या लिखा है, सी को जल्दी से देखो, सी इज को कोडे को 3 से के रूप में लिखा जाता है और डैश को 32 के रूप में लिखा जाता है, तो आप देखो कोडित किया गया है तो डांस को कैसे लिखा जाएगा, जी हां 3 से कोड किया गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, देखो सबसे पहले इसको डीकोड, जी जल्दी से आपको आंसर बताना है, सबसे पहले इसको सी को बोला है कितना, 3 बोला है, उसके बाद देखो डी ए एस एच इसका अगर देखें हम तो इसको बोला है 32, जी हां तो डांस को क्या बोलेंगे, तो डी का कितना हो रहा है 4 1, जी हां एस का कितना हो रहा है, देखो इसका 4 हो रहा है, इसका 1 हो रहा है और इसका एस, तो टी पता है 20 होता है तो ये है 19, तो 20 और 4 24 हो गया। अब देखो इसका कितना है आई जे, जे क्या होता है, जे किस नंबर पे होता है, 10 पे होता है, आई 9 पे होता है, अल्फाबेट के नंबर आपको याद होना होने चाहिए ई जो टी, जी हां इससे आप सारे निकाल सकते हैं, इसका 5 होता, इसका 10 होता, इसका 15 होता और इसका 20 होता और इसका 25 होता, बस आपको सिर्फ अल्फाबेट याद करने के लिए उल्टा या सीधा वो आप ये याद कर लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने कैसे निकाला कि एस टी के जस्ट पहले आता है तो एस का 19 निकाला, अब देखो जे की अगर बात करें तो जे से पहले आई आता है तो आई का 9 हुआ और एच का कितना हुआ 8 हुआ, अब यार मैंने इन सबको एड कर दिया ठीक है, तो क्या मिला मेरे को 32, इसी तरह से आपको किसका निकालना है
डांस का निकालना है। तो अब आप अगर यहां डांस लिखते हैं, देखो यहां लिखता हूं मैं डी ए एन सी ई, तो डांस का डी का कितना हुआ भैया, चार हुआ, जी हां डी ए है ये, ए का एक हुआ, एन का कितना होगा, एन का कितना होगा 14 होगा, जी हां 14। उसके बाद सी का कितना, तीन हुआ, इसका कितना, पांच हुआ। देखो इसको जोड़ो कितना हो रहा है, 15 4 19 और 8 कितना 27, 27 इज द राइट आंसर। किन किन लोगों ने आंसर दिया है 27, जी देखते हैं, जी हां 27 आंसर आया है सभी लोगों का, जी 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 बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, वेलकम यू ऑल। जो लोग नए हैं वो भी जय हिंद की आदत डाल लें और जो लेट्स क्रिकेट की आदत डाल लें, जी हां आठ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, 27 इज द राइट आंसर, सभी लोगों ने दे दिया आंसर। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। ए वॉक्ड 8 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, क्या बोला कि आठ मीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। तो यार ए ने चालू किया, जल्दी से आंसर बताएं सबसे पहले, तो यार 30 सेकेंड मैंने आपको दिए हैं, उससे देख के आंसर बताएं जल्दी से, 30 सेकेंड मैंने आपको दिए हैं, जी हां जल्दी से आपको आंसर बताना है। चलिए बढ़े हम, देखो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यार ए ने ना यहां से चालू किया, सबसे पहले ये पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो ए ने 8 किलोमीटर यहां से इसको चलाना चालू किया हमने, या थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं तो पूरा बन जाएगा। ए ने यहां से चालू किया चलना, ए ने यहां से चालू किया चलना और 8 मीटर उत्तर की ओर चला, जी हाँ ये 8 मीटर चल लिया उत्तर की ओर, फिर क्या होता है वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चल लिया ये, जी हां अभी यहां ए इस पॉइंट पे आया था, इस पॉइंट पे आया, ये पहला पॉइंट है, फिर वो आया दूसरे पॉइंट पे, जी हां अब देखो फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, तो आपको ये जो डायरेक्शन बनाई हुई है ना ये आपको हटानी पड़ेगी, जी हां फिर क्या वो मुड़ता है किधर, अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए इधर जा रहा है वो, इधर जा रहा था तो अपने दाएं मुड़ा, अब वो बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, जी हाँ ये चला दिया उसको 5 मीटर अपन ने, और फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, तो यार देखो 16 तो पहले भी चला था, अब वो बाएं मुड़ा इधर से, ये थर्ड नंबर का पॉइंट है उसका, थर्ड नंबर का, यहां से वो इधर जा रहा था तो बाएं मुड़ा, ठीक है, फिर वो 16 मीटर चलता है, तो ये 16 मीटर चल लिया वो, बिल्कुल। अब देखो यहां पे वो उसकी पोजीशन है, तो बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआत की बिंदु से, तो बहुत आसान है, शुरुआत में वो इस बिंदु पे था और अभी कहां है वो, जी हां यहां है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं किस बिंदु पे है, किस बिंदु पे था वो, किस बिंदु पे था, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं नॉर्थ में, उत्तर में, जी हां उत्तर इज द राइट आंसर। चलिए नॉर्थ इज द राइट आंसर, नॉर्थ इज द राइट आंसर, नॉर्थ जिन लोगों ने भी लगाया है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, जी हां सभी लोगों का आंसर सही है, जी बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है, जी नॉर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जी हां बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सामने, जी हां देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएं, देखो क्या हो रहा है इसमें, जल्दी 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 यार, देखो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देखो
यहां पे जो आंसर क्वेश्चन दिया है ना आपको, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले लिखा है क्यू सी रेशियो टी, और यहां समानुपाती दिया है, एस एफ लिखा है, और फिर आपका रेशियो बना के आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। देखो सोचो ना यार कि यार क्यू कितना होता है। जी हाँ, क्यू होता है अल्फाबेट में 17 नंबर पे, ठीक है। और सी कौन से नंबर पे होता है? सी होता है 3 नंबर पे। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे को क्या मिला? 20 मिला। जी हाँ, 20 मिला। और ये 20 किसका होता है? टी का होता है। सेम प्रोसीजर इसे फॉलो करें हम। ये 19 है, ये 19 है, पता है मेरे को। और एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? 6 होता है। जी हाँ, जब मैंने इस एफ का और इन दोनों को ऐड किया तो मेरे को क्या मिला? 25, जो किसका होता है? वाई का होता है। तो वाई इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में? मजा आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यार आ रहा है, और क्वेश्चन मजेदार है। इन्हीं क्वेश्चन की आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करना है और जल्दी जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। जी थैंक यू वेरी मच। जी हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वाई इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है 5वें नंबर के क्वेश्चन का। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए जब इस टाइप का नंबरिंग में आता है और वो भी रीजनिंग में आता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक आपको नहीं लगाना होता है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना होता है। जल्दी से आंसर दें इसका फटाफट। जी जल्दी से आंसर दें, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो 7-3-1, जी हाँ किसी का भी आंसर नहीं आया, जल्दी फटाफट आंसर दें। 7-3-1 लिखा, रेशियो 11 लिखा, और समानुपाती लिख के 9-9-1 लिखा, और यहां पे आपको पता करना है सेम टाइप से क्वेश्चन जो अभी हमने किया था यार। इसको इसको हमने जोड़ दिया, यहां प्लस कर दिया, यहां प्लस कर दिया, तो मेरे को कितना मिला? अगर इन दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस कर दिया तो मेरे को मिला 11, जो अगली स्टेप में रेशियो के बाद आ गया। यहां पे भी वही प्रोसीजर करेंगे कि यार इसको इसको और इसको, इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो मेरे को मिलेगा 19, विच इज द आंसर, ठीक है। 19 जो है आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन जिनने लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हां, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। जी ए इज द राइट आंसर। जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7th नंबर का, क्या बोला है क्वेश्चन में यही करके बताऊंगा। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, सॉल्व करके जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। जल्दी 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 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला है कि यार रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, जो ब्लैंक दिया है। यार यहीं पे देखो ना आप, एल एम, ये एल दिया है, एम दिया है, और फिर एल आ गया। तो यार अगर मैं एन रखता हूं तो एक सीक्वेंस बन जाती है, तो एल एम एन मेरे को मिला यहां पे। अब दूसरा जो पेयर बन रहा है उसमें देखो, एल दिया है, एन दिया है, तो क्या चाहिए? एम चाहिए। जी हां, ये वाला बन गया आपका, यहां पे एम आया, यहां पे क्या लिखा था आपने? एन लिखा था एक्स्ट्रा वाला। अब देखो एल एम एन हो गया, उसके बाद फिर एल आ गया, तो यार फिर क्या आएगा? एल एम एन आएगा। जी हां बिल्कुल, फिर इस पेयर को कंप्लीट कर दिया। और तीसरा वाला देखो, एन से चालू हो रहा और एम है, तो यहां पे क्या आएगा? एल आएगा। जी हाँ, एन एल एम के तीन तीन के पेयर आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या दिया? सबसे पहले एन दिया, एम दिया, फिर एम दिया और एल दिया। एन एम एम एल, एन एम एम एल। जी हाँ देखो लास्ट में भी क्या आएगा?
देखो तीन तीन, ये एक पेयर बन गया आपका तीन का, ये एक पेयर बन गया आपका तीन का, ये एक पेयर बन गया आपका तीन का, और यहां देखो पेयर बन गया। तो जी हां बिल्कुल, क्या आ रहा है, एन नहीं है, सॉरी, यहां पे एन और एल आएगा, एन और एल आएगा, एन और एल लास्ट वाले में एन और एल आएगा, चार पेयर बन रहे हैं। जी हां, एल एम एन आ गया। फिर यहां से आप स्टार्ट करोगे इसको एल, फिर आया आपका एम और एन, एल एम दो रिक्त स्थान है, एल और एम दो रिक्त स्थान है। तो पहला आया एन, एन डबल एम एल एन, एम डबल एल एन एल, बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, जिन लोगों ने भी आंसर दिया है इसका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ बिल्कुल, चलिए बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एट्थ नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिमिलरिटी और एनालॉजी की, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है एनालॉजी की वो क्लास अटेंड कर ले, उसमें हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको एनालॉजी सॉल्व करवाई है, ठीक है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। मेडिसिन मतलब दवा और रोगी, कोई रोगी होता है तो उसको दवा दी जाती है। जी हाँ, मेडिसिन एंड दवा, तो आप बताएं जल्दी से बताओ। जी हाँ जल्दी 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 जल्दी, देखो इसको इसकी जरूरत होती है, क्लियर। रोगी को दवा की जरूरत होती है, मेडिसिन नीड, पेशेंट नीड्स मेडिसिन। जी हाँ, पेशेंट नीड्स मेडिसिन। तो शिक्षा की किसको जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है विद्यार्थी को। जी हाँ, स्टूडेंट इज द राइट आंसर। जी हाँ, स्टूडेंट इज द राइट आंसर आपको यहां पे मिलेगा, बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट लगाया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, सभी लोगों ने लगाया है, सही 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 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर का, आपके सामने स्क्रीन पे नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है। देखो नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। जी हाँ देखो, पैसिफिक और ओशियन, प्रशांत और महासागर। अब देखो नील क्या है, एक प्रशांत क्या है, एक महासागर है, पैसिफिक क्या है, बिल्कुल देखो आपको ये ध्यान भी होना चाहिए, पैसिफिक क्या है, एक महासागर है। जी हाँ, एक ओशियन है, बिल्कुल। तो नील क्या है, जी हाँ नील क्या है, एक नदी है, बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जी हाँ बिल्कुल सही है, नील एक नदी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ बहुत सही आंसर है। चलिए टेंथ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, टेंथ नंबर का क्वेश्चन है जिसमें लिखा है टैलेंट को लेटेंट लिखा जाता है। जी हाँ, टैलेंट को लेटेंट लिखा जाता है और ENT को ENT ही लिखा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखो टैलेंट को क्या लिखा जाता है, लेटेंट लिखा जाता है। जी हाँ देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये टी देखो यहां पे बताता हूं मैं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये टी और एल को मैंने अगर इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या हो गया, एल और टी। जी हाँ LTENT, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दिया। तो मैंने यहां इसको चेंज कर दिया तो ओ ओ आ गया, OXE आएगा, OXE और TIC। जी हाँ सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी सी आंसर लगाया है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है। यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है क्योंकि लाइक और थम्सअप नहीं आ रहा है किसी का भी। फास्ट 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 फास्ट, जी चलिए इन टाइप के क्वेश्चन को ना सॉल्व करते टाइम आप ऐसा देख ले या ऐसा ऐसा बना ले कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बाकी सब क्या है, ऐसा है तो आप डायरेक्ट इसको ना बनाने में दिक्कत नहीं आएगी कि यार ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा हो तो मैं बता दूं आपको, चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। तो चिन्ह जो है उनको आपस में बदल दिया जाए
तो ये दिया गया समीकरण जो है ना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले तो बता दूं मैं आपको, 16 माइनस 4 किया हुआ है, ठीक है, फिर गुणा 6 किया होगा, और ये टॉपिक मैंने आपको बताया है पहले, प्लस 8 दिया है, इसके बराबर 30 आ रहा है। तो यार चिन्ह कैसे भी, अभी तो 30 आ नहीं रहा है, क्या करें हम कि चिन्ह जो 30 है, 30 है, वो आपको रिजल्ट मिल जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन, जी हाँ, जब वो कोडेड रिलेशन में बता रहा था आपको, जी हाँ, उसमें मैंने बताया है कि आपस में साइन जो चेंज करना, नंबर आपस में चेंज करना, वो वाला टॉपिक आप जरूर से जरूर देखें। और जहां पे आप क्लास देख रहे हैं वहां पे नीचे लिंक दी है, ऑल प्लेलिस्ट, फुल प्लेलिस्ट करके लिंक दी है, उसमें आप जाइए तो पूरी प्लेलिस्ट जो है रीजनिंग की वो आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, क्या किया हमने, डिवाइड और माइनस। तो यार डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर दिया, तो यहां पे अगर डिवाइड आ जाता है, ठीक है, और माइनस, क्या माइनस की जगह डिवाइड आ गया, और डिवाइड माइनस तो और कहीं है ही नहीं, डिवाइड तो कहीं है ही नहीं, ये डिवाइड है, तो यहां पे माइनस कर दिया हमने। अब देखो क्या होता है, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 मिला और ये 24 हो गया, 24 में से 2 माइनस किया तो 22 हुआ, और 22 में 8 आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 30। जी हाँ बिल्कुल, इससे आंसर आ रहा है। अब दूसरा भी रख के देख लो, 4 को 2 से किया, यहां पे 2 रखा मैंने, इस 4 की जगह 2 रखा तो 14 मिला, 84 हो, कितना हो गया, 84 हो गया, 84 हो गया, जो कि सही नहीं होगा, बिल्कुल किसी भी कंडीशन पे सही नहीं होगा, वो 30 नहीं आएगा उससे आंसर। माइनस और प्लस को आपने किया तो भी नहीं आएगा। तो पहला वाला जो आंसर है ए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, फर्स्ट नंबर का पहला वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, 30 इज द राइट आंसर, जी हाँ आ गया, बिल्कुल आ गया, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, जी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, आपके सामने स्क्रीन पे 12th नंबर का क्वेश्चन। यार कमेंट बॉक्स में थम्स अप, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद, ये थोड़ी थोड़ी देर में बोलते जाना, और जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो थम्स अप कर दे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो 12th नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, जी हाँ जी, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, जल्दी से बताएं इसका आंसर, जी जो रॉन्ग नंबर है फ्रॉम गिवन रिस्पॉन्स, फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, मिसिंग नंबर आपको निकालना है, मिसिंग नंबर आपको निकालना है, ये क्वेश्चन गलत है, जी हाँ ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है, ये क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का, जी हाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है 12th नंबर का, ये आपका 12वें नंबर का है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे से भिन्न है। ओड वन आउट की मेरी क्लास सबसे पहली क्लास हुई थी अनअकैडमी स्टूडियो प्लेस पे, रीजनिंग की सबसे पहली क्लास हुई थी ओड वन आउट और पेयर फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले देख लें उसको, जी हां जल्दी से उसको देख लें तो सही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओड वन आउट आपको निकालना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दें आप जल्दी से इसका, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका करेक्ट आंसर दें जल्दी से। फास्ट, जी हां बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, जी सी इज द राइट आंसर। देखो ये सभी जो है ना, जैसे 23 है तो 23 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है, जो वन और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जी हां ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 23 जो है सिर्फ 23 से ही डिवाइड हो सकता है और वन से हो सकता है, ये 37 सिर्फ 37 से हो सकता है या 1 से हो सकता है, 9 से हो सकता, 1 से हो सकता, 3 से हो सकता, जो ऑड है इसमें, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही है।
चलिए इसका बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना है आपको। जी हां, जल्दी जल्दी देखो, यहां पे मैं बताऊं कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा, जल्दी से आंसर बताएं। जी हां, आंसर किसका आया? बिल्कुल, देखिए आंसर जो है वो बी आंसर है। देखिए 1331 उल्टा कर दिया, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। दूसरा देखो 7188, ऐसा नहीं हो रहा है। जी हां बिल्कुल नहीं हो रहा है। तीसरा देखो 45 और 54, इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, इंटरचेंज हो गया ये। तीसरा देखो 16 और 61, इंटरचेंज कर दिया, इसको इंटरचेंज किया तो आपको ये मिल गया, इसको इंटरचेंज किया तो आपको ये मिल गया, बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा है तो ओड वन जो है वो आउट हो गया। जी हां ओड वन हमने आउट कर दिया इसको। चलिए समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जी बिल्कुल, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं जल्दी से। और आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया ये बताएं सबसे पहले कि आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। चलिए जल्दी से बताओ क्या बताना है। निम्न में से किसे वेन आरेख द्वारा वर्णित किया जा सकता है? ये आपको यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो डॉग केट और शीप, इसको कर सकते हैं क्या? देखो डॉग केट और शीप ये तीनों जो है वो अलग अलग बन रहे हैं। जी हां कुत्ते बिल्ली और शीप ये तीनों अलग अलग बन रहे हैं जो कि इसमें नहीं आ सकता, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखो चेयर टेबल और फर्नीचर, जी हां देखो फर्नीचर चेयर और टेबल दोनों फर्नीचर ही होते हैं, फर्नीचर में ही आते हैं। जी हां प्लैनेट गैलेक्सी और यूनिवर्स, जी बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों हो गया, ग्रह तारामंडल और विश्व तीनों अलग अलग हो गए। तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम सिर्फ जो बी वाला ऑप्शन है उसके लिए बन रहा है, ना सी बन रहा है ना डी बन रहा है। चलिए जी हां आंसर आ गया सभी का। चलिए थैंक यू वेरी मच सभी को। और आज की क्लास कैसी लगी? और अभी बिल्कुल ध्यान रखें, देखो 10 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पिछले साल जो पूछे गए, और 10 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे सॉल्व करवाता हूं मैं 10 बजे। किसमें? एमपीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पिछले 10 सालों के क्वेश्चन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कम से कम ये 30-35 दिन में आप पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपको, उन क्वेश्चन को आपको एक बार दो बार तीन बार कम से कम देखना है। उसमें से आपको 40% 45% अराउंड जो है क्वेश्चन उसी रिलेटेड उसी से आपको मिल जाते हैं, एक आइडिया मिल जाता है आपको। और मैं क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, उसके साथ आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आ सकते हैं वो भी मैं साथ के साथ बताता जाता हूं, ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और थम्स अप करें अच्छी लगी है तो। मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबने लाइक कर दिया होगा क्योंकि क्लास तो डेफिनेटली अच्छी है। जी हाँ नए क्वेश्चन मिले हैं, प्रैक्टिस की आपने तो अच्छी है, तो लाइक कर दो, और ज्यादा अच्छी है तो सभी को शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को। 10 बजे मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में।